हेलो फ्रेंड, कादंबरी ट्यूटोरियल और एक बार आपका कई दिल से स्वागत करता है। और मैं हूं अनंसर और आपके लिए लेके आया हूं स्पीड मैथ कैलकुलेशन का ये वीडियो जो कवर करेगा स्क्वेयरिंग द नंबर। इसमें हमने जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि क्रिस क्रॉस मेथड से कैसे आसानी से हम क्वेश्चन कोई भी टू डिजिट थ्री डिजिट नंबर्स का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ नई टेक्निक जिसके अंदर आपको कुछ स्टेप फॉलो करना है। बट ऑब्वियस है, मैंने आपको कहीं भी कभी भी बहुत से वक्त बोला है कि ये ट्रिक है, तो ये ट्रिक के अंदर आपको कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है, कुछ पॉइंट्स रिकॉल करने पड़ते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट स्टेप्स यू कैन इजीली कैलकुलेट द स्क्वायर। ओके, सो ये ट्रिक होने की वजह से इसके स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे स्टेप्स लिख के रखे हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे के रखा हूं। उसमें के बहुत से क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके बताऊंगा और बहुत से क्वेश्चंस आपको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए और मैं आपको वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही कुछ ट्रिक इस ट्रिक के बारे में डिस्कस करूंगा। तो इस फर्स्ट स्टेप में कि फर्स्ट डिजिट जो भी होगा उसका स्क्वायर लिखना है। करेक्ट, प्रेजेंटेशन में आपको आने वाले समय में बता दूंगा, डोंट वरी। और सेकंड स्टेप हमारी है कि उसका सेकंड डिजिट का भी स्क्वायर करना है। और फिर थर्ड स्टेप है कि इसके अंदर ऑल डिजिट मल्टीप्लिकेशन होगा, सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा और कौन से नंबर का होगा वो हम देखेंगे। और फिर लास्ट में एडिशन हमें करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में ही। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही लेते हैं, बट ऑब्वियस है, मैं आपको, अगर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, तो आपको पता है कि मैं डिफिकल्ट नंबर्स भी लेता हूं और इजी नंबर्स के साथ में स्टार्ट करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, सो 13 का स्क्वायर मुझे करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 13 को इस तरह से लिख लेंगे, राइट। अब इसको इस तरह से लिखने के बाद सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, देखो भाई, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है 01। देखो प्रेजेंटेशन देखना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, फिर सेकंड डिजिट का स्क्वायर, भैया 3 का स्क्वायर मुझे बहुत आसानी से आ जाएगा, दैट इज 9। तो मैंने 09 लिखा है, 2 प्लेस में लिखा है, राइट। वो थोड़ा सा आपको सावधानियां रखनी पड़ेगी, बिकॉज ट्रिक है ये, ट्रिक को अगर आपको समझना है तो कुछ सावधानियां तो आपको रखनी ही पड़ेगी। ओके, ऑल डिजिट मल्टीप्लिकेशन, देखो भाई यहाँ पे मुझे बोला गया था कि 13 का स्क्वायर करना है, 13 का स्क्वायर। सो देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6। देखो 6 किस तरह से लिख रहे हैं, देखो प्रेजेंटेशन कितना स्ट्रांग होना चाहिए। और सबका एडिशन, देखो एडिशन करना है, दिस इज 9, दिस इज 6, दिस इज 1, सो आंसर इज 169। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तो आपको बायहार्ट ही होगा। देखो बायहार्ट वाले क्यों करता हूं, सबसे पहले ताकि आपको समझ में आएगी यार जो आंसर्स निकल रहा है वो राइट है, इसका मतलब एक ट्रिक भी राइट है। ओके, चलो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट लेके चलेंगे। 35 का देखते, देखो 35 तो यार इजी है, बहुत इजी है ये 35, ठीक है। अब 35 का स्क्वायर करना है, सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन लिखेंगे 35 का स्क्वायर। ओके, सो फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर दैट इज 09, लास्ट डिजिट का स्क्वायर दैट इज 25, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, सो दिस इज सिंपली, इसका एडिशन अगर हम करते हैं तो 5 2 दैट इज 12, सो आंसर इज 1 2 2 5। यस, क्लियर बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करेंगे हम यहां पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या दिया है, 57 का स्क्वायर, बहुत आसान है। फोर स्टेप हमें फॉलो करना है, तो 57 हम लिख लेते हैं। ओके, प्रेजेंटेशन सबसे पहले, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर 25, सेकेंड डिजिट का स्क्वायर 49, दिस इज 35, राइट। 7 5 जा 35, 2 जा 70, सो देखो बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन। 9 4 दट इज 12, 3 3 2 4 9 इज द स्क्वायर ऑफ 57। यस, समझ में आया। तो 4 ही स्टेप है, 4 आसान स्टेप है, आपको कहीं पर भी इधर उधर देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलो हम 7th नंबर का क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है, सेवन नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो सेवन नंबर का क्वेश्चन है 79 का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें उसका प्रेजेंटेशन भी लिखना पड़ेगा भाई कि 79। चलो सबसे पहला स्टेप है फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 49, सेकंड नंबर का स्क्वायर सर सेकंड डिजिट का स्क्वायर दैट इज 81 और ये हो जाएगा 63 का डबल करते हैं सो 126। देखो किस तरह से लिखा है सो 1 दैट इज 12 14 1 कैरी यहां पे आ जाएगा 12 दिस इज 6 सो 6241 इज द आंसर। ओके चलो मैं आपको आपके लिए 82 भी छोड़ दूंगा, मैं आपके लिए 91 करके देखते हैं। देखो भाई 91 वाला देखते हैं, नाइन्थ वाला क्वेश्चन करेंगे हम यहां पर। सो 91 का स्क्वायर तो प्रेजेंटेशन लिख लेंगे राइट। चलो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 81, लास्ट सेकंड डिजिट का स्क्वायर 1 और 9 1 9 9 2 18। देखो प्रेजेंटेशन देखना बहुत जरूरी है बेटा। ओके 1 8 2 8 यस सो आंसर इज 8281। सॉरी यहां पे इसका नहीं था, ये इसका था। ओके सो 81 इज द आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत आसान ट्रिक है और इसको आसानी से आप कर सकते हो, बट इसकी लिमिटेशन क्या है। सो लास्ट में मैं लिमिटेशन भी डिस्कस करना चाहूंगा कि इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर आपको क्वेश्चन मिला तो ये 2 डिजिट के साथ में ही इम्प्लीमेंट होगा। ओके तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को कादंबरी ट्यूटोरियल। मैक्सिमम आपके स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करिए ताकि उनको भी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स मिलती रहे। और मेरा चैनल आप देखिए, उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन, डिविजन और स्क्वेयरिंग, अभी ये जो टॉपिक चल रहा है वो स्क्वेयरिंग, सो कंटिन्यू करते हुए चले गए। ठीक है तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।